तो ये हमारा गाउन रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा नीचे का जो बॉर्डर है, ये कमर में मैंने लेस लगाई है, और ये हमारी बाजू कंप्लीट है। गले में जो कि मैंने लेस लगाई थी, गले में है। तो आज मैं आपको रेडीमेड गाउन कैसे, हम जब रेडीमेड कोई भी गाउन खरीदते हैं तो हम उसको कैसे करके बनाते हैं, उसी को लेके मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा रेडीमेड गाउन है, मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये मेरा रेडीमेड ऑलरेडी गाउन रखा हुआ है, जो कि सिर्फ इसका गला बना हुआ है और नीचे इसके बैक मतलब कढ़ाई हुई भी है बाजू में, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें डिज़ाइन करने के लिए मैंने अपनी तरफ से लेस वगैरह ली है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके की, ये कटदाने वाली लेस जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाती है। ये मुश्किल से 40 रुपये मीटर की लेस है, और ये वाली जो पाइपिंग वाली है, ये वाली, ये हमारी 5 रुपये मीटर। तो मैंने 1 मीटर ये ली है और 2 मीटर ये, यानी टोटल मैंने 3 मीटर लेस ली है। और ये अस्तर इसमें लगाने के लिए मैंने कॉटन का अस्तर ले लिया है, और ये अस्तर लिया है मैंने 1 मीटर, क्योंकि ये हमें ऊपर ही लगाना है। वैसे ही कपड़ा तो मोटा है, लेकिन फिर भी मैंने लगाना ठीक समझा है, तो मैंने 1 मीटर ये कपड़ा ले लिया है कॉटन का। उसको मैंने पहले भिगो लिया था रात को, उसके बाद सुबह को सुखो के मैंने प्रेस करके रख लिया है। तो मैं इसको एक एक बाई बाई एक एक करके आपको सारी चीज़ें इसकी दिखाता हूँ। हमारे गाउन का फ्रंट वाला हिस्सा है, इसमें गला वाला कुछ नहीं बना हुआ है, वो सब मैं आपको बनाना बताऊँगा। पीछे ये बैक, मतलब ये बैक हमारी जो कमर है, कमर में प्लेटें डली हुई हैं, और नीचे इसके बॉर्डर में ये इसमें कढ़ाई हुई है फ्रंट वाले हिस्से में, लेकिन मुझे ये प्लेटों वाला नहीं बनाना है तो मैं इसको अलग कर लूँगा। फिलहाल आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। हमारा फ्रंट हो गया, अब मैं इसकी बाजू दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारी बाजू है, बाजू में हमारे इस तरीके से एक डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे कि हमारे ऊपर की चोली में डिज़ाइन है, वैसे ही हमारे बाजू में डिज़ाइन है। तो ये हमारी बाजू है, इसका जो इसका बैक साइड है हमारे गाउन का, वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कुछ नहीं है। तो अब मैं आप इसकी कटिंग बताता हूँ। अब इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमारा गाउन का, इसमें प्लेटें डली हुई हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सिलाई को उधेड़ लेते हैं। इसकी जो कमर से जॉइंट है, इसको हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सिलाई बड़ी बड़ी लगी हुई है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। और बिल्कुल सिल्क वाला कपड़ा होता है, ये हमारा सिल्क वाला है, तो इसको आराम आराम से आप इसको अलग करना, वरना ये हमारा बेकार हो जाएगा। तो इसको आराम आराम से हमने इसकी चोली अलग कर ली है, इसके घेर को हम हटा लेते हैं, कि भी हमने ऊपर की चोली निकाल ली है। अब अस्तर पे इसको बिछा के ऊपर की हम चोली को कट कर लेंगे। तो इसके जो हम निशान लगाएंगे फिटिंग के, वो लगाएंगे हम अस्तर पे। तो मैंने सेम कलर का अस्तर ले लिया है, तो हम अब इसको अस्तर को बिछा लेते हैं, क्योंकि हमें मार्क जो करना है अस्तर पे करना है, इस पे नहीं, क्योंकि अस्तर पे हमारी स्टिचिंग आएगी, उस पे नहीं। तो हम पहले इनको अच्छे से बिछा, पहले मैंने फ्रंट को फोल्ड करके रख दिया है, मैंने अस्तर को बिछा दिया है। आपको जितनी फिटिंग लेनी है आप ले लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा वाले कपड़े को साइड छोड़ दीजिए। तो अब हम इसका फिटिंग का निशान, तो मैं इसका बता देता हूँ मैंने निशान कितना लगाया है। पहले मुझे चौली जो है हम नॉर्मली रखते हैं 15 से 14 इंच की, तो मैंने इसका लंबाई का निशान जो इसकी चौली ऊपर की कट करनी है, मैंने 14 पे निशान लगा लिया है। बाकी मैंने इसको 15.5 पे कट करना है, क्योंकि बाकी हमें जो भी कमर लंबाई करनी हो चोली, वो हम कर सकते हैं। और यहाँ से इसके तीरे का जो निशान लगाया है वो 7 पे, और उसी के नीचे फिर दूसरा जो हम सीधे निशान लगाते हैं वो भी लगाया है 7 पे। उसका यहाँ से हमने तीरे से लेके ऊपर से और ये हिप तक हमने जो आर्मोल जो हम घुमाते हैं उसका मैंने लगाया है 7 पे, और फिर हमने कमर का लगाया है सीने से कमर तक का 7, जो कि नॉर्मली सूट में लगते हैं निशान, वैसे ही हमने निशान लगाए हैं। लेकिन इसमें हमें हिप के निशान नहीं लगाने हैं, क्योंकि हमें खाली चोली तक ही इसमें फिटिंग चाहिए होती है, हिप तक नहीं। तो मैंने लगा लिया है, और मुझे इसका चाहिए बोर्ड नेक गला। तो बोर्ड नेक गले का जो मेरा फैलाव है वो है 7 इंच, तो 7 इंच है, तो मैंने यहाँ पर निशान लगा देना है 7 इंच, क्योंकि हम बुकरम पे गला बनाएंगे तो वो हम कट नहीं करेंगे, हमने सिर्फ निशान लगाना है। निशान लगा के फिर इसकी कंधी को डाउन कर देना है, हल्का हल्का डाउन करने के बाद फिर हम इसके फ्रंट में 1/2 इंच आगे एक निशान लगा देंगे, और फिर इसको इस तरीके से पट्टी से सीधा निशान लगा देंगे। यह हमारा हो गया फ्रंट वाला शेप का निशान, और फिर इसको इस तरीके से हल्के हल्के करते हुए, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको पहले आप डेड डैश करते हुए कर लीजिए। तो ये हमने फ्रंट वाले हिस्से को तो शेप दे दिया, अब बैक वाले हिस्से को 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस लाइन से, आगे वाली लाइन से 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा के इस तरीके से करते हुए करते ऊपर तक ले आए। ये हमारा हो गया बैक साइड का निशान। तो ये हमारा बिल्कुल पैटर्न जो है कोटी का कट है, मतलब रेडी। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं। तो हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं, तो इसमें मार्जिन जो है मैंने रखा है 1 इंच का, ज़्यादा ही नहीं रखा मैंने, 1 इंच का ही मार्जिन रखा है।
उस कपड़े को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमें गला वगैरह बनाने के लिए काम आएगा। तो जहाँ हमें फोल्ड करना है वहाँ पे हम कट लगा देंगे। उसका फ्रंट और बैक को अलग करते हुए फ्रंट में इसके आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमने फ्रंट में आर्म होल का शेप दे दिया है। तो हमने अंदर वाले अस्तर पर तो निशान लगा लिया है, अब इसके जो बाहर वाला हमारा कपड़ा है तो फ्रंट वाले हिस्से को रख के फ्रंट पे कट कर लेंगे और बैक वाले हिस्से को रख के बैक पे कट कर लेंगे। तो जिस हिसाब से हमने अस्तर काटा था उसके हिसाब से ही हमने इसके ऊपर वाला मटेरियल भी उसी हिसाब से हमने कट कर लिया है। गला तो हमें जब बनाएंगे जब कट कर लेंगे। तो ये हमने ऊपर की चोली कट कर ली है, अब हम इसकी बाजू कट कर लेते हैं। इसको हटा के अब हम इसकी बाजू को कट कर लेते हैं। ये हमारी बाजू है, अब हम इसको जैसे कि फोल्ड करा जाता है बाजू को, इस तरीके से हम फोल्ड करके स्केल की मदद से इस लाइन को यहाँ पे सीधा कर लेते हैं, क्योंकि इसके हमें बाजू में अस्तर नहीं लगाना है तो हम बाजू को ऐसे ही कट कर लेंगे। हमने एक लाइन स्ट्रेट कर ली, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी लंबाई रखनी है। तो हमें इसकी जो कंप्लीट लंबाई रखनी है वो रखनी है 16 इंच। तो यहाँ से इसको 16 ही, क्योंकि नीचे बिल्कुल आना चाहिए, तो यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देंगे, क्योंकि कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल कलाई में आएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ से हमने इसको सीधे लाइन करने के बाद फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए, जितना आप चाहो उतना आप छोड़ सकते हो, तुरपाई चाहो तुरपाई और फोल्ड करना चाहो फोल्ड। तो अब यहाँ से अब हम इसको 16 इंच की लंबाई का निशान लगा देते हैं। यहाँ से इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करने के बाद जितना कि हमने इसका आर्म होल रखा था उतना ही हम निशान लगाएंगे। तो आर्म होल था हमारा 7 इंच, तो हमने 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा मतलब आगे निशान लगा के इस तरीके से इसको आर्म होल का शेप दे देंगे। और जितनी हमें इसकी बाजू की मतलब मोरी रखनी है इसकी कलाई की, उस पर भी निशान लगा देते हैं। 5 इंच हमें चाहिए तो 5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। फिर शेप पट्टी से इसको हम शेप दे देंगे और जितना आप एक्स्ट्रा मार्जिन चाहो उतना आप छोड़ सकते हो और बाकी को हम इसको कट कर लेते हैं। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि हमें स्टिचिंग में भी दबाना है इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। और यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। और यहाँ से थोड़ा इस तरीके से कर लें ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये हमारा फोल्डिंग में बिल्कुल सही आए। और यहाँ पे कट लगा दीजिए जितना आपको फोल्ड करना है। तो ये हमारी बाजू भी कट हो चुकी है और हमारी चोली भी। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे के कट कर लेते हैं। तो नीचे वाला कपड़े को हम बिछा लेते हैं। हमने नीचे वाला घेर बिछा दिया है, अब हमें इसमें प्लेटें नहीं चाहिए तो हमने प्लेटों को भी खोल दिया था। तो हम क्या करेंगे, इसकी चोली का जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको ले लेंगे, जितनी हमें इसकी लंबाई रखनी है उसको चोली को इसके ऊपर चढ़ाते हुए रख देंगे। और जितनी आपको कंप्लीट लंबाई चाहिए आप उतने पे ही निशान लगा दीजिए। उसकी हील जो पहनेंगे आप उसकी भी लंबाई नाप लेंगे तो आपके लिए और बेस्ट रहेगा। अगर आपकी लंबाई 50 आप लेते हो, मैं नॉर्मली बताता हूँ, अगर आप 50 आपकी लंबाई है और आप इसमें 2 इंच की हील पहन रहे हैं तो उसमें 2 इंच का प्लस करके यानी 52 इंच की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मैं इसका ऊपर से 1 इंच टेप रख देंगे इसका, और यहाँ से मैं इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा छुड़ा दूंगा जो कि इसकी चोली यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। फिर उसके हिसाब से मैं इसका निशान लगाता हूँ। तो मुझे 55 इंच इसकी कंप्लीट लंबाई चाहिए और 2 इंच की इसमें हील है, यानी 57 इसकी कंप्लीट लंबाई में रख देता हूँ। तो 57 मैंने इसकी कंप्लीट लंबाई रख दी है और यहाँ से मैंने इसको 1/2 इंच ऊपर भी चढ़ा दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसके क्या करूँगा, आप इसकी कमर का जो यहाँ से निशान है उस पर इस तरीके से निशान लगा दूंगा। ये मैंने निशान लगा दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। मैं निशान लगाने के बाद फिर इस इंची टेप को ही इस तरीके से रखते हुए यहाँ से हम एंड तक लगा देंगे निशान पे, यूँ करके हल्के हल्के करते हुए आप निशान लगा दीजिए। ये हमने निशान जो लगा दिया है, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि मार्जिन हमने ऑलरेडी उसमें छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को कट कर लेंगे। ये हमने नीचे तक कट कर लिया है, यानी अब हमारा ये ए लाइन का अच्छा सा गाउन रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको मैं स्टिच करना बताता हूँ, तो अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। अस्तर को हम इसके ऊपर रख देंगे और ये हमारा नीचे वाला अस्तर आ गया, ये ऊपर वाला हमारा मटेरियल आ गया। तो इसको बड़ी सिलाई से अब हम क्या करेंगे, चारों कोनों पे एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे बड़ी सिलाई से, मजबूत वाली नहीं सिर्फ लूजिंग वाली। और बीच में पहले एक सिलाई लगा देंगे बीच सेंटर में, जिससे कि हमारा अस्तर बिल्कुल परफेक्टली बैठे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक बड़ी सिलाई लगा देते हैं। तो हमें इसमें बड़ी बड़ी सिलाई लगानी है, इसमें छोटी सिलाई नहीं लगानी है।
मैंने बीच में सिलाई लगा दी है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बीच में सिलाई इसलिए लगाई है, अब जब मैं इसके अस्तर पर लगाऊंगा सिलाई तो ये हमारे बिल्कुल सही आएगी। तो हम इसके क्या करेंगे, सिलाई जब इसके लगाएंगे तो बैक वाली साइड से लगाएंगे, मतलब इसके अंदर वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से नहीं लगाएंगे। तो उसको इस तरीके से रखते हुए पूरा एक पैर की सिलाई इस पर पूरे पे घुमा देंगे, पूरे नीचे तक, मतलब राउंड करके एक पैर की सिलाई से इसको घुमा देंगे, जिससे कि आपका अस्तर एकदम परफेक्ट बैठ जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक पे लगा के, एक पैर की सिलाई से ही लगाना है हमें। अस्तर लगा दिया है इस तरीके से, आपको अस्तर लगाना है, यानी हमारा अस्तर ये बिल्कुल बैठ चुका है परफेक्ट। और जो इसमें एक्स्ट्रा वाला ये कपड़ा निकलता है, इसको हम कट कर लेंगे, जिस साइड से भी निकल रहा है उस साइड से हम कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है, तो सेम जैसे कि हमने फ्रंट में अस्तर लगाया है, वैसे ही हम इसका बैक में भी अस्तर लगा लेते। तो अब हम इसका फ्रंट वाला हिस्सा ले लेते हैं और हम इसका बॉर्ड नेक गला बनाएंगे। तो मैंने बॉर्ड नेक गला काट चुका हूँ बुकरम पे, मैं बता देता हूँ ये कितना काटा है मैंने। तो इसकी जो हमने फैलाव रखा है, वो फैलाव मैंने रखा है 7.5 इंच, 7.5 इंच इसका फैलाव है गले का। और इसकी जो गहराई है, वो गहराई है हमारी 5.5 इंच, 5.5 इंच इसकी गहराई है और 7.5 इंच इसका इस तरीके से फैलाव है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसको बुकरम पे रख के हम नॉर्मली जैसे गला बनाते हैं वैसे ही इसको कंप्लीट करते हैं। हमने एक बुकरम पे इसको इस तरीके से बना लिया है, और बनाने के बाद हमने इसमें बीच में इस तरीके से मोड़ के बीच में एक कट लगा लिया है, जिससे कि हमें पता रहे कि हमें कहाँ पे इसको फिट करना है। तो इसको इस तरीके से मोड़ते हुए फ्रंट वाला हिस्सा ले लेंगे, और फ्रंट में भी इस तरीके से मोड़ेंगे अच्छे से। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा निकल रहा है कपड़ा, इसको हम हटा लेते हैं पहले, क्योंकि इसकी वजह से हमारी सारी फिनिशिंग बेकार हो जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने हटा दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसके बीच हम बीच में बिल्कुल सेंटर में कट लगा देंगे। बीच में कट लगाने के बाद इसको गले को हम इस तरीके से रख देंगे, इसके ऊपर दोनों कट को हम मिला देंगे। पहले हम बीच में एक सिलाई लगा देते हैं बीच में, जिससे कि हमें मजबूती मिल जाएगी गले में, इसलिए हम इसके बीच में एक सिलाई लगाते हैं पहले। और ये वाली सिलाई आपको तो नॉर्मली लगानी है जैसे कि आप लगाते हो, तो इसमें आपको बड़ी सिलाई नहीं, इसमें आपको छोटी सिलाई ही लगानी है। इस तरीके से पहले आप बीच में लगाएंगे तो अच्छे से आप इसको सेट कर पाएंगे। इसके आप कोने कोने पे सिलाई लगा लीजिए। जैसे कि सिलाई हमने इस साइड लगाई है, सेम सिलाई उस साइड भी लगा लेते हैं। हमने फ्रंट का गला तो तैयार कर लिया है, तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो ये है एक एक पैर की मदद से अब हम इसको कट कर लेते हैं, गले को कट करके फिर यहाँ पे हल्का हल्का कट लगा देंगे, जहाँ पे हमने राउंड घुमाना है सिर्फ वहीं पे कट लगाना है, पूरे में कट नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम राउंड घुमाएंगे तो इससे अच्छी हमारी फिनिशिंग आएगी। तो हमने कट लगा दिया है, कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से नॉर्मली जैसे कि फोल्ड करते हैं, आप सिलाई चाहो तो सिलाई की डाल सकते हो पक्की सिलाई, तुरपाई की नहीं चाहो तो तुरपाई की नहीं, लेकिन मैं इसमें पक्की सिलाई कर लेता हूँ। हमने फ्रंट का गला बिल्कुल रेडी कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने लेस ली थी वो हम इसके गले में इस तरीके से लेके राउंड घुमा देते हैं, जिससे कि इसका गला थोड़ा और हमारा लुक में आ जाए। तो उसको उस तरीके से रखते हुए ध्यान लगे कि आप लेस उस तरीके की लें जिस तरीके की आपको चाहिए। तो हमारा गाउन रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा नीचे का जो बॉर्डर है, जो कि मैं कटिंग में नहीं दिखा पाया था, यह देख लीजिए, इसका ये फ्रंट का बॉर्डर है जो कि प्लेन है, बैग वाला और फ्रंट वाला हमारा इस तरीके से है। और ये जो मैंने लेस लगाई थी, ये कमर में मैंने लेस लगाई है, ये हो गई, और ये हमारी बाजू कंप्लीट है, और गले में जो कि मैंने लेस लगाई थी गले में है, ये हमारे फ्रंट में लगाई है मैंने लेस, और बैक में भी इस तरीके से लेस लगाई है। और इसकी बेल्ट जो आती है हमारी कमर, कमर में भी मैंने इस तरीके से कट दाने वाली लेस लगाई है, जो कि इससे पूरी राउंड करके एक ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने बेल्ट बांध रखी है। तो ये हमारी मतलब गाउन का पूरा ये बैक साइड को अच्छे से देख सकते हो, ये हमारा पूरा गाउन रेडी है। आप इसको आराम से पहन सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये गाउन आपका कैसा लगा। तो इसको लेके आपके मन में जो भी सवाल हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय फ्रेंड्स।